Morning. Good morning. So how are you? Good morning. Right. Beautiful place. मैंने नहीं सोचा था मुंबई में ऐसा जगह भी है. बहुत गजब. बहुत सही बहुत जगह है. Very good. जैसे मुंबई में अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छे अच्छे जगह भी होता है. Right. So now, so today it's a day not only for learning, not only for training. This is the day we should realize, set our goals. अगले हम 7 महीने में, 1 महीना तो चला गया मैचर का, सही ना? तो अभी हमारे पास ये 7 महीना, 7 महीना में आधा महीना निकल गया, और by today we have 6.5 months. So now here, everybody want to go to Malaysia? Yes. सब जाना चाहते हैं? Yes. Okay. So अगर हम सब जाना चाहते हैं, पहले हम आप क्या चाहिए? Passport is the purpose. पासपोर्ट ले लो, पहले पासपोर्ट ले लो. इम्पोर्टेंट, अगर क्वालिफाई हो जाएंगे तो पासपोर्ट नहीं है तो कंपनी कुछ नहीं कर सकता है. ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेक श्योर यू हैव योर पासपोर्ट इन योर हैंड. ओके, एंड सेकेंड थिंग इज यू सी दिस मलेशिया मार्टर्स जो है, पहले फर्स्ट मंथ वी हैव मोर देन अराउंड 1500 क्वालिफायर्स. हम देखते हैं तो 1500 तो क्वालिफाई हुए मलेशिया जाने के लिए. ठीक है, बट 8 महीने तक कितने लोग टिकेंगे? How many people will stand in the end of 8 months is a matter of question. Okay. So because first महीने में many people have done only this 3000 और 5000 डाल के बचा कर रखा भी जिंदा हूं मलेशिया के लिए. Okay. So सिर्फ ये बचा कर रखकर हम मलेशिया नहीं जा सकते. Okay. So this is like a 2020 match. So, महीने कम होता ही जाएगा, आपका रन रेट बढ़ता ही जाएगा. तो लास्ट 3-4 महीने में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रन रेट इतना बढ़ जाएगा. तो मौका अभी है. ये महीने से अगर हम खेलना शुरू नहीं करेंगे तो रन रेट डबल और ट्रिपल हो जाएगा. तो फिर हम वहां जाकर क्वालिफाई करना चाहते हैं, देन हमको आर्टिफिशियली क्वालिफाई करना है. आर्टिफिशियली क्वालिफाई का मतलब यू हैव टू इन्वेस्ट मनी बाय द प्रोडक्ट. ये करने में कोई मजा नहीं है. अगर बीएक्सएल जाने में ऐसा जाने का नहीं जाना है, अच्छा बीएक्सएल आर्टिफिशियली कुछ नहीं करना है. अगर नेचुरली हमको क्वालिफाई करना है तो वी शुड स्टार्ट वर्क फ्रॉम दिस मंथ. तो इसमें जो कंडीशंस जो है मलेशिया जो जाने का जो कंडीशंस है, इट्स अ वेरी सिंपल कंडीशंस. सो व्हाट वी शुड फोकस इज वी शुड फोकस ऑन आपका 3000 PV और 1000 PV तो हो जाएगा. So now what we should focus on? Sponsoring people. We should sponsor quality people. That is what we want. So ये गलती नहीं करने का. Member बनने के बाद people जाएंगे किसी भी member बनाते हैं, you know? कोई भी मिलता है उनको member बनाते हैं. So now हमको next 6 महीना हमारा साल ये game में खेलने के लिए सहारा चाहिए. वो सहारा होगा हमारा new members. How we choose our new members is in our hand. सही है ना? आप अपने बाप को नहीं चूज कर सकते. कर सकते? नहीं, नहीं कर सकते. आप आपका अपने को नहीं चूज कर सकते, बट आप ससुर जी को चूज कर सकते. सही है ना? आपका ससुर जी कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इसी योर हैंड. तो आपका डाउनलाइन कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इन इसी योर हैंड. यू आर द सीईओ, यू आर द ओनर. आपका ब्रांच में आपका टीम में कैसा खिलाड़ी चाहिए आपका हाथ में ही है. अगर आप कमजोर खिलाड़ी लेकर आते हैं तो आपका गेम नहीं होता है. इसका कारण कमजोर खिलाड़ी नहीं है, कैप्टन का. कैप्टन का जिम्मेदारी है बिकॉज कैप्टन को पता नहीं था कैसे खिलाड़ी लेके आ. सो वी आर नॉट आवर कैप्टन, वी आर नॉट कैप्टनशिप रोल. नाउ हमको पता होना चाहिए हम कैसे खिलाड़ी लेकर आएंगे जो 7 महीने में. So we will also win, they will also win. So choose your team properly. कोई भी आ जाता है फ्री मेंबरशिप में साइन कर दो तो मेंबरशिप बन जाएगा, वो आपको मलेशिया नहीं ले जा सकता है. So we should choose the people, interview करके हर एक बंदा को चूज करके आपका टीम में लेकर आओ. Then only उसका वैल्यू रहेगा, then only you can train them. When you recruit members, अगर हम स्पॉन्सर करेंगे आपका ऊपर ही जिम्मेदार रहता है वो बंदा को सक्सेसफुल कराना. सो डोंट गो ऑन द
रिक्रूट पीपल अगेन, वही गलती मत करना जिस लोगों को पाव में दर्द है, हाथ में दर्द है, उनको स्पॉन्सर करके और उनसे उम्मीद करके ये लोग मुझे डायमंड बना जाएगा, ये लोग ये उस कुछ नहीं करेगा, उसका पाव का दर्द है, उसका पेट की बीमारी है, उसका डायबिटीज है, उसे प्रोडक्ट चाहिए, सिर्फ वो प्रोडक्ट ही खाएगा, आपके लिए स्पॉन्सर नहीं करेगा, आपके लिए सेमिनार में आकर नहीं बैठेगा, आपके लिए दो लोगों का साथ मार्केटिंग का इशारा नहीं करेगा, क्योंकि वो डीएक्शन आने का मकसद दूसरा था और हम उनको डीएक्शन में ले आने का मकसद अगर दूसरा हो गया तो दोनों नहीं मिलेगा। तो हम जो लोगों को ले आते हैं वो मकसद भी ठीक होना चाहिए, लोग हमारा साथ जुड़ रहे हैं उनका मकसद भी हमारा मकसद से जुड़ना चाहिए, ये दोनों जुड़ेगा देन ओनली खेल हो सकता है, देन ओनली लोग एक वी कैन प्ले दिस गेम। अदर वेज कैप्टन एक बोलेगा प्लेयर दूसरा जगह में गोल मारेगा, तो ये हमें उनसे पता नहीं है। So we should train our members accordingly. So we should select our members accordingly. So this next 7 months, sponsoring is very very important. जितने भी लोग हैं, हमारा एक ही मकसद होना चाहिए। We should recruit at least 25 members. कितना members? 25 members. 8 महीने में 25 ऐसा खिलाड़ी चुनना है। ज़्यादा नहीं, only 25 members we want. 25 members. Who want to help themselves financially? जिन लोगों को financially weak है, एक additional income चाहिए, ऐसे लोगों को you should select the 25 people and you help them. अगर ये हो जाएगा, then you can play this game. Are you ready? Yes. Yes. Because ये जो Malaysia आना, this is an opportunity. ये opportunity कभी भी नहीं आएगा. ऐसा अपॉर्चुनिटी कब आएगा मुझे पता नहीं, मेबी 30th एनिवर्सरी या 35th एनिवर्सरी में आ सकता है, बट अगर आपको डीएक्शन देखना है यू शुड सी डीएक्शन ओनली इन 25th एनिवर्सरी। यू कैन सी मोर देन 183 कंट्रीज से लोग आएंगे, 70% ऑफ द पीपल इंग्लिश बात नहीं कर सकते, यू नो दैट। आज पेरू, मेक्सिको, बोलिविया जो टॉप 3 कंट्रीज में है, they cannot speak English, but they are in number 1 position in DXL. अगर उनका even एक crown diamond का अगर इनका income निकालेंगे, it is equivalent to around $50,000. Crown diamond का income होता है around 40 lakh rupees per month का income. इतना sale हो रहा है, इतना business हो रहा है. So what they did, वो क्या कर रहे हैं, उनका team कैसा है, वो क्या बात कर रहे हैं. So this and all you can see 25th anniversary. So 25th anniversary is a very special program. It's not like a Chalo Malaysia program. You will go to Kuala Lumpur. Kuala Lumpur se hum aur ek flight lenge. Then we'll go to Langkawi. It's a beautiful island. One of the beautiful island in the Southeast Asia. Langkawi mein hum ek din raat rahenge. We will enjoy the Langkawi. Then Langkawi ka baad we will go to DXL farmland. You will see the DXL farmland where we grow RGGL, spirulina, everything. We can see in our own eyes. Then from there we will go to Kuala Lumpur. Kuala Lumpur mein ek din sightseeing rahega. Then next day we will go for 25th anniversary. So it's a very detailed plan or very trip plan. So easily we should not miss. Now we are in PONR, how many people flight में जा चुके? How many people went in flight? When flight take off, you know, अगर flight take off होता है, वो एक point होता है, उसे हम बोलते हैं PONR, point of no return. वहाँ पे pilot break भी नहीं डाल सकता है, reverse भी नहीं डाल सकता। ये क्या हमसे उड़ना है? वो एक point होता है, वहाँ पे जाकर वो पीछे मुड़कर नहीं दे सकता। So now who are going to Malaysia, we are in that point. अभी पीछे मुड़कर नहीं देखना मैं क्वालिफाई करूंगा या नहीं करूंगा, पहले आपको मानना है आप क्वालिफाई करें, आप क्वालिफायर है, पहले आपको मानना है, आप दिमाग को मानना है, आपका मन को यह विश्वास आना है मैं क्वालिफाई कर रहा हूं या कर रही हूं। तो अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं या कर रहा हूं तो आपका बात कैसा होना चाहिए,
Now you should start discussing मलेशिया में मैं क्या पहनूंगा, मलेशिया जाने के बाद मैं क्या लेकर आऊंगा, मलेशिया में क्या क्या देखूंगा, मेरे बच्चों होंगे क्या क्या लेके आऊंगा, एक लिस्ट डालना है। देख आपका मन ये मानना शुरू करेगा आप क्वालिफायर है। आप अभी भी इधर उधर 175,000 पे नहीं करना है, होगा या नहीं होगा, तो आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, आपका माइंड आपका साथ नहीं देगा। अगर आपका माइंड आपका साथ देना है, पहले माइंड को समझाओ। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू क्वालिफाई फॉर मलेशिया। पीवी बाद में आएगा, पहले समझाना है आपका डाउनलाइन को नहीं, अपलाइन को नहीं, पहले किसे समझाना है? आपका माइंड को समझो। फर्स्ट यू बिलीव मैं मलेशिया जा रहा हूं, मैं जरूर मलेशिया जा रहा हूं। मलेशिया जाकर क्या क्या करेंगे आज से सोचने लगो, आज से वो सपने देखने लगो। देन ओनली योर माइंड विल परसीव, योर माइंड विल बिलीव, देन उसका रास्ता खोलेगा। अगर आप ही स्ट्रांग नहीं है, अगर हम स्ट्रांग नहीं है, तो हमारा मन भी स्ट्रांग नहीं हो। सो मलेशिया कहें फर्स्ट वी हैव टू बी डिटर, ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए मैं मलेशिया जा रहा हूं। हाँ, लास्ट महीना सिर्फ 10,000 पीवी हुआ, 3,000 पीवी आ, नो प्रॉब्लम। अभी हमारे पास कितना महीना है? 7 महीना है, 7 दिन नहीं है, 7 घंटा नहीं है, 7 सेकेंड नहीं है, हमारे पास 7 महीना है। कुछ भी हो सकता है, 7 महीने में क्राउड अंबेसडर बन सकते हैं। यू रिमेंबर दिस, हमारे पास उतना बड़ा टास्क नहीं है, हमारे पास टास्क छोटा है। बिकॉज हम छोटे टास्क को बड़े समझेंगे तो छोटा टास्क हमको बड़ा ही नजर आएगा। तो हमारा सामने जो टास्क है, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क, नॉट ए वेरी बिग टास्क। सो पीपल आर डूइंग मिराकल, डीएक्सएम में इतना लोग ऐसे मिराकल कर रहे हैं। 3 महीने में, 4 महीने में उनका इनकम 1,00,000-2,00,000 रुपया इंडिया में हो चुका है। आई हैव सीन, मैं मेरा करियर में एक मेंबर को देखा हूज इनकम रीच 7 लाख इन 8 मंथ्स। 8 महीने में 7 लाख इनकम डीएक्सएम से उठाया, ऐसा मेंबर को मैं देखा हूं डीएक्सएम। दैट मींस यू रिमेंबर, अगर 7 लाख इनकम होना चाहिए, लगभग 50-60 लाख होना चाहिए हर महीने। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 50-60 लाख पर मंथ पीवी, वी आर टॉकिंग अबाउट 1,75,000 हर महीना होना चाहिए। कितना महीना होना चाहिए? 8 महीने में। सुधीर कंडीशन ऐसे ही है, कितना आसान है, हर महीने में नहीं है, 8 महीने में। आर यू श्योर? 8 महीने में 1,75,000? ओह माय गॉड, तो आप लोग पक्का, आप लोग तो मलेशिया जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपॉर्चुनिटी है तो अपॉर्चुनिटी को यूज कर लो। अगर अपॉर्चुनिटी को हम नहीं यूज करेंगे, दोबारा पता नहीं अपॉर्चुनिटी कब आएगा। डोंट ब्लेम योर तकदीर, मेरा तकदीर अच्छा नहीं है, मुझे मौका नहीं मिला है, मैं ऐसा हूं। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी हमने मिस किया होगा। जब तक अपॉर्चुनिटी जब आएगा तब पकड़ लो। यू नो, एक हस्बैंड वाइफ दे वेंट टू वन होटल, एक 15-12 बिल्डिंग का होटल में जाके हस्बैंड वाइफ दे आर स्टेइंग इन द 15th फ्लोर। When they are staying in the 15th floor, there was a fight between husband and wife. दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद हस्बैंड ने रिसेप्शन में कॉल किया। रिसेप्शन में कॉल करके बोला, तुरंत मेंटेनेंस को 15th फ्लोर में भेजो, मेरा बीवी का साथ लड़ाई है। तो होटल वाले ने बोला, सर ये तो आपका पर्सनल मामला, मेंटेनेंस लोग आकर क्या करेगा। तो हस्बैंड ने बोला, झगड़े में मेरे बीवी बोल रही है एक खिड़की खोलकर बाहर को दे, पर खिड़की नहीं खुल रहा है तो मेंटेनेंस को भेज। यू नो, ये बात, ये एक अपॉर्चुनिटी को कैसा यूज कर रहा है समझो। उसे ऐसा अपॉर्चुनिटी से पता है, ऐसा अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं मिलेगा। बेहतर है वो बोल के फोन दी खिड़की और के नीचे खोल देंगे, बट बेचारा खिड़की नहीं खुल रहा है तो मेंटेनेंस को भेज। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस अपॉर्चुनिटी,
जो अपॉर्चुनिटी है मलेशिया का, वी आर इन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यहां से पीछे मुड़कर देखना, दोबारा सोचना, ये सब अभी मना है। अब चाहकर भी नहीं कर सकते, अब चाहकर भी मलेशिया से हट नहीं सकते, बिकॉज मलेशिया जानना आपका ऊपर अब फर्ज बनता है। So now 1,75,000, 1,75,000 is only matter of only 25,000 new member PV per month. Okay? So now ये आना है, तो आपका नया member का role, new member आपका team में आना is very very important. नया member का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप cow goat ये सबको अंदर लेके आ जाओ आपका team में, जो भी है उसे member बना दो, फिर मेरे से बोलो साहब मैंने 20 member किया, किसे किया, वो बकरी को किया, आज बैलों को किया, ये लोग हमारा ये काम नहीं करेंगे, जो करना है वे यू आर द टीम प्लेयर, यू आर ए कैप्टन, रिमेंबर आप कैप्टन हो ये टीम का, आपका टीम का प्लेयर कैसा रहेगा आप चूज करना है, कंपनी चूज नहीं करेगा, आपका हाथ में है, अगर आपका टीम कमजोर है इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी और कोई नहीं है, कौन है, मैं खुद, बिकॉज टीम को सजाने का अथॉरिटी कंपनी ने मुझे देकर है, तो मैं कैसे लोगों को लेकर आकर गेम खेलूं, इट्स ओनली अप टू मी, सो माय डियर फ्रेंड वी शुड बी केयरफुल हाउ वी आर गोइंग टू प्ले दिस गेम इन नेक्स्ट 7 months टू कम, सो नाउ व्हेन वी आर गोइंग, व्हेन वी गोइंग टू द ट्रेनिंग पार्ट, ट्रेनिंग पार्ट में ये 7 महीने में मलेशिया जाने में हमारा मकसद खत्म नहीं होगा, डीएक्सएल मलेशिया कॉन्टेस्ट देने का सिर्फ 8 महीने का मोटिव नहीं था, कंपनी कंपनी का मोटिव था 8 महीने का बाद अगर एक मेंबर को मैं सक्सेसफुल देखना चाहता हूं तो 8 महीने उसे कुछ मोटिवेट कर उसका गियर 4वां गियर में लेकर आकर छोड़ दो, फिर गाड़ी कुछ चलेगा, अभी खड़ा हुआ है, थोड़ा धक्का देकर फर्स्ट गियर सेकेंड गियर फोर्थ गियर में छोड़ दो, फिर 8 महीने का बाद गाड़ी खुद चलेगा, परमानेंट चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए 8 महीने का बाद गाड़ी फिर 0 गियर में आता है, फिर 0 में आता है, ये मलेशिया कॉन्टेस्ट का मकसद वो नहीं था, ये मलेशिया कॉन्टेस्ट का मकसद 8 महीने का बाद है, 8 महीने जो मलेशिया जा रहा है वो हमारा मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव है 8 महीने के बाद एक मेंबर को फाइनेंशियल फ्रीडम कैसा मिलेगा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट थिंग।